उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी यानी कि हीट वेव की मार झेल रहा है। मई से ही लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं। बारिश की एक एक बूंद के लिए प्यासी धरती तरस रही है। हर दिन चल रही हीट वेव से क्या इंसान और क्या जानवर, हर कोई बेहाल है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कई जगहों पर तो रात के वक्त भी टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। अभी फिलहाल गर्म हवाओं से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक जाने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल जैसी ठंडी जगहें भी अब रूह को तरोताजा नहीं कर पा रही हैं। इन जगहों पर पारा भी तेजी से बढ़ रहा है। भीषण गर्मी से नवाबों के शहर के लोगों को राहत दिलाने के लिए लखनऊ नगर निगम में जगह जगह कूलिंग पॉइंट्स बना रखे हैं। सहारा समय की वरिष्ठ संवाददाता अलहमरा खान ने इन कूलिंग पॉइंट्स का जायजा लिया। आग उगलती धरती, तपिश भरी धूप और गर्म हवा के थप्पड़ों से लोग परेशान हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें, यहाँ का मिजाज बहुत ही गर्म हो रहा है। 45 से 46 डिग्री तापमान में लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में हर कोई अपने घर से जब बाहर निकल रहा है तो यही सोच के बाहर निकल रहा है कि आखिरकार इस भीषण गर्मी से कैसे बचा जाए। पूरा उत्तर भारत इस वक्त प्रचंड गर्मी की चपेट में है। जगह जगह तापमान में, चाहे वो रात हो या दिन हो, सामान्य तापमान बना हुआ है। 45 से 46 डिग्री तापमान है। और अगर हम रात के तापमान की बात करें तो रात का तापमान भी 40 डिग्री हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर भारत में किस तरीके की गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी से लोगों को बचाने के लिए लखनऊ नगर निगम ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया हुआ है। उन्होंने जगह जगह कूलिंग पॉइंट्स बना रखे हैं और इन कूलिंग पॉइंट्स का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भीषण धूप में कहीं निकल रहे हैं, किसी खास काम से निकल रहे हैं, तो आप इस कूलिंग पॉइंट में जाकर अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, लखनऊ नगर निगम द्वारा ये कूलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और ये कूलिंग पॉइंट्स आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये कूलिंग पॉइंट्स बने हुए हैं और कूलिंग पॉइंट्स में इन्होंने कूलर को इंस्टॉल कर रखा है और ख़ास तौर से पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं शुद्ध पीने का पानी भी यहाँ रखा गया है, क्योंकि ये 1090 चौराहा है। इस चौराहे के आसपास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर आप खड़े होकर के इस गर्मी से राहत पा सकते हैं। यहां पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। ये बताइए, आप कहां से हैं और इतनी भीषण गर्मी से क्या राहत मिल रही है आपको? यहां पर बहुत ठंडा हमको हो रहा है महसूस। हाँ। हम गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से आप आए हो? आप कहां से आए हो? चारबाग से आए हूं। तो अभी आपको कैसा लग रहा है यहां पर बैठ के? थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो? जिस तरीके से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तेज धूप हो रही है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो एटलीस्ट यहाँ पर क्या आपको राहत मिल रही है? पहले से बेटर फील है यहाँ पे, आराम भी है काफी। बिल्कुल, देखिए यहाँ का तापमान और बाहर के तापमान में जमीन आसमान का अंतर है। जिस तरीके से यहाँ पर भीषण गर्मी की चपेट से लोग परेशान है, लोगों को लू लग रही है, उससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। और यहाँ पर बैठने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके के सोफे लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके का पूरा प्रबंध करा गया है और ये प्रबंध चाक चौबंद है। और लोगों को इस गर्मी की वजह से सर चकरा रहा है और ख़ास तौर से क्योंकि लू ना लगे, इसके लिए ये कूलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। नगर निगम की ये सराहनीय पहल काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इस तरीके के कई कूलिंग पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं। और अब उम्मीद यही करते हैं, पहली चीज़ तो इस भीषण गर्मी में जब तक आपको ज़रूरी काम ना हो, आप घरों से बाहर ना निकलिए। और अगर बहुत मजबूरी में आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप कूलिंग पॉइंट्स को देखिए, थोड़ी देर वहाँ पे विश्राम करिए, ठंडा पेयजल पीजिए और उसके बाद अपने कार्य के लिए निकलिए। फिलहाल भीषण गर्मी है और इस गर्मी से अभी बचने के कोई भी अंदेशा नज़र नहीं आ रहा है। लखनऊ मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरीके की गर्मी रहेगी और उम्मीद अब यही कर रहे हैं इंसान के बारिश हो, बारिश की फुहारों से शायद थोड़ी राहत मिले। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।